सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि कृपया दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। मैं दीक्षांत समारोह की कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुमति देता हूं। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वह स्वागत भाषण एवं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कृपा करें। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आशीर्वचन देने पधारी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का इस दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपका इस दीक्षांत समारोह में पधारना हम सबको प्रोत्साहित करता है। महोदय, हम सब आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। उत्तराखंड राज्य के माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, सेवानिवृत्त माननीय केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, माननीय कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, पतिगण, प्रबंध परिषद के सम्मानीय सदस्यगण, विद्युत परिषद के सदस्य, विशिष्ट अतिथि, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता निदेशक संकाय सदस्य, वैज्ञानिक अधिकारी एवं कर्मचारी गण, गौरवशाली अभिभावक गण, प्रिय विद्यार्थियों, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, आप सभी महानुभावों का इस दीक्षांत समारोह में स्वागत है। मैं इस अवसर पर संक्षिप्त में रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। लैंड ग्रांट पैटर्न की तर्ज पर अमेरिका के इनलोए विश्वविद्यालय की सहायता से सन 1960 में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने हरित क्रांति के द्वारा देश के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विगत 6 दशकों में इस विश्वविद्यालय ने खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के अलावा पशुधन, दूध, तिलहनी फसल तथा मत्स्य उत्पादन में भी अपना अहम योगदान दिया है। इस योगदान के लिए ICAR द्वारा सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन सम्मान से इसे 3 बार सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा विश्वविद्यालय ICAR रैंकिंग में देश के कृषि विश्वविद्यालयों के बीच लगातार शीर्ष स्थान पर रहा है। महोदय, पिछले 63 सालों से
यह विश्वविद्यालय उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश की सेवा कर रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा अब तक 42,756 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई हैं, जो पूरे देश में कृषि क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों की 346 उन्नत किस्में एवं पशुओं की 2 नस्लें कृषक समुदाय के लिए समर्पित की हैं तथा सीधे तौर पर 3,00,000 से ज़्यादा किसानों को प्रशिक्षित किया गया। इसी वर्ष पंतनगर के वैज्ञानिकों के द्वारा दलहन की 7 नई किस्में विकसित की गई हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष उपलब्धि है। गत वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 9,220 क्विंटल प्रसिद्ध पंत बीज एवं 2,60,000 पौधों का उत्पादन कर किसानों को दिया गया। ICAR के द्वारा ए ग्रेडेड प्राप्त यह विश्वविद्यालय विश्व के QS रैंकिंग में 361 स्थान प्राप्त है। यह देश के चुनिंदा कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है जिसने यह सम्मान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय के शिक्षण एवं शोध के साथ साथ गत वर्ष 80 छात्रों को विदेशों में 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई और 50 से अधिक विशिष्ट प्रशिक्षित कार्यक्रम आयोजित किए गए। टेक्नोलॉजी विकास में विश्वविद्यालय का मुख्य योगदान रहा है। इसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, अमेरिका, कनाडा के विख्यात विश्वविद्यालयों के साथ साथ देश के प्रमुख संस्थानों से के साथ भी इन्होंने हमने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्वविद्यालय में लगभग 76 करोड़ रुपए की लागत से 375 शोध परियोजनाएं गतिशील हैं। पिछले 7 वर्षों में 105 पेटेंट के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 29 पेटेंट की स्वीकृति हमें मिल चुकी है। लगभग 170 से ज़्यादा तकनीकों का विकास हमारे विश्वविद्यालय में हुआ है और 3,000 से ज़्यादा शोध पत्र हमारे विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किए हैं। पिछले माह अक्टूबर में 114वें किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 45,000 किसानों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के दृष्टिगत मिलेट श्री अन्न मोटा अनाज के प्रति जागरूकता एवं प्रचार प्रसार हेतु अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे 50,000 से ज़्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम में भी विश्वविद्यालय ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा विभिन्न कृषि एवं संबंधित विषयों पर 365 प्रशिक्षण यानी कि हर दिन एक प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिससे 17,215 कृषक लाभान्वित हुए हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय पहला कृषि विश्वविद्यालय बना जिसने अपना कृषि ड्रोन विकसित किया। नई शोधों के साथ साथ विश्वविद्यालय IoT, सेंसर तकनीकी, हाइड्रोपोनिक्स, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि के लाभों को किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएगा। इस 35वें दीक्षांत समारोह में 626 बैचलर, 310 मास्टर तथा 105 PhD के कुल 1,041 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जा रही है। मैं सभी को बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं इस गरिमामय अवसर पर विशेष रूप से भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के साथ साथ सभी महानुभावों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि कृपया माननीय राष्ट्रपति महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें।
माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि कृपया माननीय कुलाधिपति महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि कृपया माननीय केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि माननीय कृषि मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि कृपया दीक्षांत समारोह स्मारिका का विमोचन करने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि कृपया पंच ई ऑफिस मॉड्यूल का शुभारंभ करने का कष्ट करें। विश्वविद्यालय के विभिन्न मामलों में दक्षता, पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा स्वदेशी रूप से ई ऑफिस विकसित किया गया है। माननीय कुलाधिपति, मैं कुल सचिव गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं की तरफ से आपके समक्ष उन अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस, मास्टर ऑफ फिशरीज साइंस, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्री बिजनेस, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ साइंस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स सामुदायिक विज्ञान, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की परीक्षा में सफल हुए हैं और उक्त उपाधि हेतु योग्य पाए गए हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप कृपया इन सभी को उक्त उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें और उन अभ्यर्थी को भी जिन्होंने अनुपस्थिति में उपाधि प्राप्त करने की प्रार्थना की है उक्त उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। सारे डिग्री प्रेजेंट खड़े हो जाएंगे।
All delegations should stand. गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद द्वारा प्रदत्त अधिकारियों से मैं उक्त सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस, मास्टर ऑफ फिशरीज साइंस, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्री बिजनेस, मास्टर ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ साइंस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स सामुदायिक विज्ञान, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की उपाधि प्रदान करता हूं और यह दीक्षा देता हूं कि आप सदा अपने जीवन और कार्यों में स्वयं को इसके योग्य सिद्ध करें। धन्यवाद। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के अंत में विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम स्नातक होने के उपलक्ष्य में कुलाधिपति स्वर्ण पदक कुमारी नेहा बिस्ट परिचयांक 54507 को प्रदान किया जाता है। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, मेरी प्रार्थना है कि आप कुमारी नेहा बिस्ट को कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान करने की कृपा करें। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 की परीक्षा में संबंधित स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कुलपति स्वर्ण पदक निम्नलिखित स्नातक को प्रदान किए जाते हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, मेरी प्रार्थना है कि आप कृपया इन स्नातकों को कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान करें। कुमारी पार्की श्रीवास्तव, बीटेक एग्री इंजीनियरिंग। हर्षित पांडे, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। कुमारी श्रेया जैन, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ऋतिक गोयल, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। भानु लोहानी, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एब्सेंशिया। कुमारी अमृता शुक्ला, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कुमारी पल्लवी ठुकराल, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कुमारी दीपशिखा चौधरी, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस।
कुमारी मल्लिका त्रिपाठी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। कुमारी चित्रा परियार बीएससी टेक्नोलॉजी। कुमारी योगिता मरकाना बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 की परीक्षा में संबंधित स्नातक पाठ्यक्रमों में द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कुलपति रजत 11 एवं कुलपति कांस्य पदक शेष कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2021-22 हेतु उत्कृष्ट स्नातकोत्तर एवं परमस्नातक शोध ग्रंथ प्रस्तुति के लिए भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत अवार्ड स्नातकोत्तर विद्यार्थियों में श्री विवेक नेगी परिचयांक 56485 तथा परस्नातक विद्यार्थियों में डॉक्टर हिमानी पंत परिचयांक 54239 को प्रदान किया जाता है। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय, मेरी प्रार्थना है कि आप कृपया इन विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय जी। अतिथि श्री गणेश जोशी माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया छात्रों को संबोधित करने की कृपा करें। आज हरित क्रांति की जन्मस्थली गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के 35वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति पंतनगर विश्वविद्यालय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम सेवानिवृत्त, और कार्यक्रम के विशेष अतिथि हमारे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, यहाँ के कुलपति मनमोहन सिंह चौहान जी, विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद एवं विश्व परिषद के सदस्यगण, उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी माननीय विधायकगण, पुलिस व प्रशासन के सभी सम्मानित अधिकारीगण, प्रेस मीडिया के प्रतिनिधि देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने उत्तराखंड को एक नहीं 7, 8, 9, क्योंकि 9 नवंबर को हमारा स्थापना दिवस भी है, आपने 3 दिन का टाइम दिया। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और आज मैं जहां कृषि मंत्री के रूप में उपस्थित हूं, मैं मुख्यमंत्री के अध्यक्ष के रूप में भी उपस्थित हूं, मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे याद है जब आप अपने प्रचार में देहरादून आई थी, तब आपसे पहली प्रथम बार आपसे मुलाकात हुई थी। साधु सरलता की मूर्ति जिन्होंने एक आयाम स्थापित किया, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। और आज जिन बच्चों ने विभिन्न विषयों में पदक एवं उपाधियां प्राप्त की हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और अभी जब राष्ट्रपति जी उपाधि वितरित कर रही थी, पदक दे रही थी,
मैं देख रहा था हमारी बेटियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और सबसे पहले जो बेटी आई थी उसका नाम था नेहा बिष्ट, नेहा बिष्ट थी और मेरी बेटी का नाम भी नेहा है। और आज हमारी बेटियों ने हर क्षेत्र में आज सर्वोच्च पद पर भी एक बेटी महान राष्ट्रपति जी बैठी हैं, आज हमारी वित्त मंत्री वो भी एक बेटी हैं और मैंने देख रहा हूं कि आज हर क्षेत्र में आज हमारी बेटियां फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो पहले से ही अव्वल हैं, आज रेगुलर आर्मी में हमारी बेटियां जा रही हैं। और मुझे याद है पिछली बार दीक्षांत समारोह में जब मैं आया था तो मैंने एक बच्ची से जब पूछा, मैंने बेटा आप डिग्री लेने के बाद आप क्या करोगे, क्या नौकरी करोगे, तो उस बेटी ने यह कहा नहीं मैं अपने गांव में जाऊंगी, जो मैंने यहां पर सीखा आधुनिक खेती करूंगी और उत्तराखंड को देश को आत्मनिर्भर संपन्न बनाऊंगी। मैं उन बच्चियों को भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज महामी जी आपको ये कहते हुए गर्व होता है कि उत्तराखंड एक बहुत छोटा सा राज्य है और राज्य के निर्माण के बाद हमारी खेती का क्षेत्रफल तो घटा है लेकिन हमारा उत्पाद 2,00,000 टन से अधिक बढ़ा है, उसमें भी इस इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए इंस्टीट्यूट के सभी वैज्ञानिकों का, शिक्षकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज जैविक खेती के क्षेत्र में हम 34% जैविक हैं और पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है कि अभी राज्य 25 साल का होगा हम इसको 50% से अधिक लेकर जाएंगे, ये हमारी सरकार का संकल्प है। आज प्रतिष्ठित के क्षेत्र में गंगा किनारे की जो 64,000 हेक्टेयर भूमि है इसको हमने चयनित किया, वहां पर हम प्रकृति खेती कर रहे हैं। आज हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हिमाचल व कश्मीर के बाद एप्पल के क्षेत्र में हम 30वें स्थान पर हैं और जो आज हाई डेंसिटी का एप्पल हम लगा रहे हैं जो 2 साल में फल दे रहा है, पहले सेब 5 साल में फल देता था। हमारा संकल्प है कि जब 2025 में अपने उत्पाद को हम दुगुना करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का श्री अन्न मिलेट्स जो कि हमारी परंपरागत खेती में है उसको और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाई। जब यूएनओ के अंदर आपने प्रस्ताव रखा था तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और दिल्ली में पूसा से इसकी विधिवत शुभारंभ हुआ था। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे वहां पर जाने का मौका मिला, 140 देश के डेलीगेट्स वहां पर थे और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलट्स मिशन में 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था उसमें की है, जहां ने बीजों के लिए हम 50% की सब्सिडी देते हैं, श्री अन्न में हम 80% की सब्सिडी दे रहे हैं। और श्री अन्न स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है, जो व्यक्ति मड़ुआ खाएगा उसको कभी शुगर नहीं होगी, जो रामदाना खाएगा उसके घुटने में दर्द नहीं होगा, जो कुलत की दाल खाएगा उसको कभी पथरी नहीं होगी। आज हमारी सरकार इसके लिए लगातार प्रयास को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मैं आभार करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि मड़ुए का MSP सबसे ज्यादा 38.46 रुपए है, जहां अन्य फसलों का MSP बहुत कम है। और हमने ये सुनिश्चित किया है कि किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिले। हमारे यहां स्वयं सहायता समूह की 5,00,000 से अधिक बहनें काम कर रही हैं। हमने कहा है किसान से इनके घर में जाकर ये बहनें मड़ुआ खरीदेंगी, MSP पर खरीदेंगी, उसके लिए हम 1.50 रुपए पर KG इनको इंसेंटिव देंगे। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो हमारा जो सरकार का संकल्प है कि 2025 तक 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का वो पूरा होगा, दूसरा किसान को उसके उपज के सही दाम मिलेगा। और जो हमारा जो श्री अन्न है इसको उगाने में मेहनत भी कम होती है, इसमें पानी भी कम लगता है, इसमें लागत भी कम आती है। मुझे याद है जब आंदोलन में थे तो हम एक नारा लगाया करते थे कि हम कोदा झोगरा खाएंगे उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। आज मैं ये नारा दे रहा हूं कि हम कोदा झोगरा उगाएंगे उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस अवसर पर
ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार माननीय राष्ट्रपति महोदय का अभिनंदन करते हुए, आभार करते हुए कि आपने आकर हमें अनुग्रहित किया, अपना आशीर्वाद दिया, और एक बार फिर उन बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनको आज उपाधि व पदक यहां पर प्राप्त हुए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त माननीय राज्यपाल उत्तराखंड के से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया छात्रों को संबोधित करने की कृपा करें। जय हिंद। मैं सर्वप्रथम देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर हम सभी की प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक भारतवर्ष की राष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरित क्रांति की जननी इस भूमि में राष्ट्रपति महोदय जी की उपस्थिति से ना सिर्फ इस विश्वविद्यालय का बल्कि पूरे उत्तराखंड का मान बढ़ा है। आपकी उपस्थिति से इस दीक्षांत समारोह में दीक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र छात्रा को एक ऐसा हौसला और मार्गदर्शन मिलेगा जो इनके पूरे जीवन को आलोकित करता रहेगा। मेरे लिए यह भी अत्यंत हर्ष का अवसर है कि राष्ट्रपति महोदय जी की उपस्थिति में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के 35वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। महोदय, यह विश्वविद्यालय देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। सन 1960 में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के बाद सन 1972 में इस विश्वविद्यालय का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की स्मृति में किया गया। स्वर्गीय पंत जी ने इस विश्वविद्यालय के निर्माण में अभूतपूर्ण योगदान दिया था। यह उनकी दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज यह विश्वविद्यालय देश व विदेश में प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में विख्यात है। आज इस अवसर पर मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश में हरित क्रांति लाने में इस विश्वविद्यालय का विशेष योगदान रहा है, जिसके फलस्वरूप हमारा देश फूड ग्रेन प्रोडक्शन में न सिर्फ आत्मनिर्भर बना बल्कि आज हम कृषि उपज के प्रमुख निर्यातकों में से एक हैं। मैं आप सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें आज उपाधियों से विभूषित किया जा रहा है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं विश्वविद्यालय के शिक्षक गण और आपके अभिभावकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं गतिशील देश की विरासत को और अधिक समृद्ध तथा भविष्य को और अधिक सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह केवल एक समारोह मात्र नहीं है बल्कि यह आपकी उपलब्धियों, ज्ञान और उत्कृष्टता को प्राप्त करने के दृढ़ निश्चय का उत्सव भी है। आज आप अथक परिश्रम के बाद डिग्रियां एवं मेडल्स को प्राप्त कर उत्साह से भरे हुए हैं। आज आप अपने ज्ञान, बुद्धि एवं मूल्यों के द्वारा अपने समाज को और अधिक उन्नत करने का प्रण भी ले रहे हैं। शिक्षा केवल डिग्री ले लेना ही नहीं बल्कि यह आत्म ज्ञान की प्राप्ति, सशक्तिकरण एवं परिवर्तन का माध्यम भी है। इस अवसर पर मैं यहां की फैकल्टी,
द्वारा आपके बौद्धिक विकास तथा आपको भविष्य की चुनौतियों को तैयार करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार रही है। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन 330.5 मिलियन टन रहा, जो कि विगत वर्ष 2021-22 से 15 मिलियन टन अधिक था। इसके अलावा भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 50.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। कृषि क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में आने वाली दूसरी हरित क्रांति में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिशियल के इस विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी, सब्जी फसलों की एक से बढ़कर लगभग 346 प्रजातियों एवं उनकी उत्पादन तकनीकों को विकसित किया है, जिससे न केवल भारत से खाद्यान्न की समस्या खत्म हुई बल्कि किसानों की आर्थिकी में भी व्यापक सुधार हुआ है। यह अत्यंत खुशी की बात है कि अभी हाल ही में इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न दलहनों की 7 नई किस्में देश के विभिन्न भागों के लिए विकसित की गई हैं। मैं इस अवसर पर इन किस्मों को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। आज जब आप शिक्षा के इस महान मंदिर को छोड़कर जाएंगे तो याद रखें, शिक्षा जीवन भर चलने वाली यात्रा है, अतः भविष्य में चीजों को सीखते रहें, विकसित करते रहें तथा परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालें। आप याद रखें कि आपसे समाज, राज्य और इस देश की तमाम आशाएं जुड़ी हुई हैं। आने वाली चुनौतियों का सामना करें तथा साहस, विनयशील एवं उत्कृष्ट करने के दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। एक बार पुनः आप सभी को 35वें दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया छात्रों को दीक्षांत भाषण देकर अनुग्रहित करें। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एम एस चौहान जी, संकाय सदस्यगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजन, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज यहाँ उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके परिवारजनों और प्राध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मंच पर पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या अधिक थी। ये ट्रेंड मैं अन्य संस्थाओं में भी देखती हूँ, क्योंकि मुझे राष्ट्रपति के पद पर मुझे बहुत सारा यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। मैं गई हूँ, एक साल में मुझे लगता है
50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में गई हूँ। मैं देख रही हूँ सभी जगह बेटियाँ थोड़ा अच्छा करते हैं। ये सुखद बदलाव विकास पथ पर बढ़ते हुए भारत का दर्शन है। मैं बेटियों की उनकी उपलब्धि के लिए विशेष बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह हर विद्यार्थियों के लिए जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। सभी विद्यार्थी, उनके परिवार के लोग और प्राध्यापक इस दिन अत्यंत उत्साह और गौरव का अनुभव करते हैं। सभी विद्यार्थी अवसरों और चुनौतियों से भरी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। सशक्त सशक्त है और एक दूसरे की मदद के लिए ये नेटवर्क इस संस्थान को विश्व प्रसिद्ध की अग्रिम पंक्ति में ले जाए, ऐसी मेरी मनोकामना है। देवियों और स्वजनों, देश में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए तत्कालीन और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वर्ष 1960 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। देश का ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय शुरुआत से ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बन गया था। मुझे ये भी बताया गया है कि 11,000 एकड़ से फैला ये विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से है। इस मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय के परिसर में 8 महाविद्यालय कार्यरत हैं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के एक उत्कृष्ट ब्रांड के रूप में जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नार्मल बर्लंग ने पंतनगर विश्वविद्यालय को हार्बिंजर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया था। नार्मन बर्लंग द्वारा विकसित मेक्सिकन गेहूं की किस्मों का यहां परीक्षण किया गया था। प्रयोगशाला के रूप में इस विश्वविद्यालय ने ग्रीन रिवॉल्यूशन की सफलता में प्रभावी भूमिका निभाई है। कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोग पंतनगर सीड्स के बारे में जानते हैं। देश भर में किसान और अन्य लोग पंतनगर सीड्स पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। ऐसा विश्वास अर्जित करना किसी विशेषतम उपलब्धि है। आज भी पंतनगर विद्यालय में अनुसंधान के द्वारा विकसित किए गए बीज देश भर के किसानों के लिए और फसल के गुणवत्ता और उपज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे विश्वास है कि पंतनगर विश्वविद्यालय देश के कृषि क्षेत्र के विकास में अग्रिम भूमिका निभाता रहेगा। जेबी पंत विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा, शोध व प्रसार के कार्यों के विश्वसनीय योगदान दिया है। ये अत्यंत गर्व की बात है कि विश्वविद्यालय ने विभिन्न फसलों, फलों व सब्जियों के कुल 346 उन्नत किस्म या पशुधन की 2 नस्लों का विकास किया है। मुझे बताया गया है कि देश के विभिन्न कृषि संस्थानों ने हाल ही में डिजीज रेसिस्टेंट दलहनी फसलों की 21 प्रजातियां विकसित की है, जिनमें से 7 प्रजातियां पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय करती हूँ और बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि 7 प्रजातियों दलहन उत्पादन में क्रांति जरूर लाएगी। देवियों और स्वजन,
कृषि क्षेत्रों में किए जा रहे शोध को किसानों तक पहुंचाना और उससे कृषि में उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाना कृषि विकास के लिए आवश्यक है। विश्वविद्यालय पिछले 6 दशकों से निरंतर ये कार्य कर रहा है और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। विभिन्न क्लाइमेट रेजिलियंस टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ग्रामीणों समुदाय को सहायता प्रदान की जा रही है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में विश्वविद्यालय के ये प्रयास प्रशंसनीय। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय को 3 बार प्रतिष्ठित सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मेरे सामने ये तथ्य भी लाया गया है कि गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय भारत के उन श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में है जिन्होंने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जगह बनाई है। मैं इस विशेष उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय की पूरी टीम और विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक उच्च स्तर के विश्वविद्यालय की पहचान वहाँ के रीडिंग कल्चर और लाइब्रेरी से भी हो जाती है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में 5-स्टोरी वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी में 4.5 लाख से अधिक किताबें और रीडिंग मटेरियल्स हैं। ये सराहनीय है कि ये रीडिंग मटेरियल्स डिजिटाइज्ड फॉर्म में भी उपलब्ध है। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि यहाँ विश्वविद्यालय को विभिन्न विषयों की पुस्तकें खरीदनी नहीं पड़ती और ये लाइब्रेरी से ही सेमिस्टर की पुस्तकें इशू करवा के पढ़ सकते हैं। इस मल्टीडिसिप्लिनरी संस्था के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभता से उपलब्ध करवाने के इस प्रयास के लिए मैं यहाँ की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। देवियों और सज्जन, आज क्लाइमेट चेंज और सोयल डिग्रेडेशन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दुनिया प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ रही है। साथ ही इको फ्रेंडली फूड हैबिट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरा विश्व इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है। उत्तराखंड मिलेट्स के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मिलेट्स को हमारे फूड हैबिट्स में प्राथमिकता प्रदान करने में इस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों व संकाय सदस्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूरी है। ये सराहनीय है कि विश्वविद्यालय ने क्रॉप मैनेजमेंट, नानो टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग आदि के माध्यम से डिजिटल सॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नई पहल की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय पहल कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि पंतनगर विश्वविद्यालय ने अपना कृषि ड्रोन विकसित किया है। ये ड्रोन कुछ ही मिनटों में कई हेक्टर भूमि में स्प्रे कर सकता है। इससे किसानों के समय की बहुत बचत होगी। इस उपलब्धियों और उल्लेखनीय कार्य के लिए मैं पूरी टीम को बधाई देती हूँ एवं आशा करती हूँ कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के लाभ शीघ्र ही किसानों तक पहुँचेगी। देवियों और स्वजनों, शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर हो रहे तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ सामंजस्य की आवश्यकता है। शिक्षण संस्थानों को इंडस्ट्री रेडी स्नातक तैयार करने चाहिए जो रोजगार पैदा कर सके और टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्ल्ड में प्रतिस्पर्धा कर सके। आप सब विद्यार्थी देश दुनिया में जहाँ भी काम करें, अपने विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और इस क्षेत्र को हमेशा याद रखें। अपने क्षेत्रों के विकास में भी आपको
यहाँ के आलू के पराठे और कोकू के समोसे। उपाधि प्राप्त करने वाले और पदक विजेताओं को मैं फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी मंगल कामना है कि आप आगे बढ़ते रहें और विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने की कृपा करें। मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। मैं पंडाल में उपस्थित सभी से अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्रगान हेतु अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। प्रार्थना है कि वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। महामहिम जाने के बाद में अपने स्थान पर बैठ जाए। जो शेष कार्यक्रम है दीक्षांत समारोह का, वो उसके बाद जो डिग्निटरीज अपने स्टेज पर आने के बाद में पुनः शुरू करेंगे।